जय कामाख्या माता, कृपा करें सभी के ऊपर। हमसे जो है सभी बच्चे कुछ ना कुछ नए नए टॉपिकों के बारे में बात करते रहते हैं, कोई ना कोई नई साधना के बारे में, कोई ना कोई नए टॉपिक के बारे में। खैर आज का जो टॉपिक है वो सभी के लिए है। हमने जो है काल भैरव साधना के बारे में इतना मतलब नहीं बताया। भैरव साधना हम जो है मूल रूप में बताते हैं पर इतना नहीं बताते हैं। हम कम मतलब हमारा शक्त को मतलब ज़्यादा हमारा रहता है फोकस हमारा। तो भैरव साधना के बारे में जो है कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि गुरु जी भैरव का किस तरह का स्वरूप घर में रखना चाहिए और किस प्रकार से की साधना हमें घर में करना चाहिए, कैसे स्वरूप भैरव का घर में हम रख सकते हैं। देखिए भैरव एक प्रकार का नहीं होता, भैरव 64 प्रकार के होते हैं, समझे। वैसे 52 भैरव आपने सुना होगा लेकिन ओरिजिनल 64 होते हैं, पता है कामाख्या के अंदर कामेश्वर को मिला करके साथ अष्ट कामेश्वर साथ होते हैं, हम तो उनको भी भैरव बोलते हैं। खैर तो भैरव जो होते हैं ना वो मूल रूप में भैरव जो भय को दूर कर दे आपके, समझे। रवे जिस रवि सूर्य को भी बोला जाता है, प्रकाश तत्व को भी रवि बोला जाता है, जो भय के अंधकार को दूर करके जो है एक जो है जीवन के एक नए प्रकाश को आपके अंदर जो है इंस्टॉल कर दे उसको भैरव बोला जाता है। मतलब आपकी सभी समस्याओं को दूर करके आपके जीवन के अंदर पॉजिटिविटी को जो है मूल रूप में इंस्टॉल कर दे उसी को भैरव बोला जाता है। और काल भैरव वो भैरव जो समय से परे है या समय को भी जो है अपनी मुट्ठी के अंदर बांधना जानता है, जो समय को भी अपने अनुसार नियंत्रण कर सकता है, उस भैरव को काल भैरव बोला जाता है, जो कि शक्ति तत्व के साथ विशेष रूप में चलता है। काल की शक्ति को काली बोला जाता है और जो है काल की को नियंत्रण करने वाले देव को भैरव बोला जाता है। तो भैरव शक्ति जो होती है वो भय को दूर करने के लिए और भय को मुक्त करने के लिए साधक और भय तत्वों से मुक्त होने के लिए और मुक्ति के मार्ग पर जाने के लिए साधक भैरव की साधना करता है। काशी के कोतवाल काल भैरव को बोला जाता है। हमारे कामाख्या के अंदर भी जो मूल जो उमानंद भैरव है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कामाख्या के लोग काल भैरव की हम लोग ज़्यादा करते हैं, उमानंद की करते हैं क्योंकि हमारे तो इष्ट देव लगा लीजिए, कुलदेव लगा लीजिए इनको। तो मूल रूप में भैरव तत्व की हमारे यहाँ बहुत जो है मान्यता है और जो है इनकी पूजा की जाती है। तो भैरव की साधना किस प्रकार से साधना कर सकता है जो, या फिर भैरव के किस प्रकार के स्वरूप को एक आम व्यक्ति घर के अंदर रख सकते हैं। आम व्यक्तियों के लिए चलो बात करते हैं। जो है जो इंसान मतलब तंत्र साधना नहीं करता, पहली बात उनको भैरव की साधना तो घर के मतलब मंदिर के अंदर उनको भैरव की जो है मूर्ति तो रखनी नहीं चाहिए या स्वरूप को रखना नहीं चाहिए भैरव का, क्योंकि भैरव तो तंत्र के देवता है, शमशान के देवता है। तो जहाँ शमशान वहाँ मशान है ना, तो इंसान जहाँ पे जो है बसेगा वहाँ ही मतलब शमशान हो सकता है ना, मतलब अरे क्या बोलते हैं हमें हिंदी कम आती है, मतलब जहाँ पे इंसान मतलब रहेगा वहाँ शमशान तो वास नहीं कर सकता ना। तो वहाँ पे इंसान को भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भैरव की साधना करना चाहिए। मतलब आम इंसान घर के अंदर कैसे स्वरूप को रख सकता है, घर के अंदर पहला स्वरूप काला नहीं होना चाहिए। जो धंधा भैरव का नाम सुना है, जो धन देता है, तो धंधा भैरव के स्वरूप में भैरव रख सकते हैं, उसमें भैरव का स्वरूप कभी काला नहीं होता। दूसरा, भैरव के साथ कभी श्वाना नहीं होना चाहिए जिस समय अगर आपके घर के अंदर भैरव की मूर्ति हो। गोरा भैरव होना चाहिए और लंगोट धारण नहीं होना चाहिए, उसको जो है धोती धारण होना चाहिए भैरव को, जो घर के अंदर आपके भैरव होने चाहिए। तीसरा, उसके हाथ में गदा नहीं होना चाहिए, उसके हाथ में झंडा होना चाहिए, ऐसे भैरव को घर के अंदर होना चाहिए। चौथा, उसके हाथ में खप्पर नहीं होना चाहिए, जो भैरव आपके जो है घर में होता है। आम लोगों के लिए बता रहे हैं, तांत्रिकों के लिए अलग और शाक्तों के लिए अलग बताएंगे। हाथ में खप्पर नहीं होना चाहिए उसके, सर्वनाश हो जाएगा। छठा, उस भैरव के हाथ में जो है नरकपाल नहीं होना चाहिए, पाँव के नीचे नरकपाल नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का याद रखना। सातवां, उस भैरव के दांत बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि भैरव की कुछ मूर्तियों के अंदर भैरव के ऐसे दांत होते, ऐसे ऐसे दांत ऐसे करके भैरव के दांत बाहर होते हैं, या फिर ऐसे करके ऐसे मतलब भैरव के दांत बाहर होते हैं, ऐसे करके ऐसे मतलब दो दांत बाहर होते हैं ना, तो ये दांत बाहर नहीं होने चाहिए भैरव के, काम खराब कर देगा, समझे। गोरा भैरव जिसको बोला जाता है वो विशेष होता है, वो भैरव दांत वाला मतलब घर के अंदर नहीं होना चाहिए, ये विशेष चीज का ध्यान रखना, ठीक। आठवां, भैरव के हाथ में खाड़ग नहीं होना चाहिए। नौवां, वो भैरव जो है अभय मुद्रा और वर मुद्रा दे रहा हूं माँ भगवती की तरह, अभय मुद्रा एक हाथ में ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, एक हाथ में झंडा और एक हाथ में कमंडल, ये भैरव का स्वरूप होना चाहिए घर के अंदर, और खड़े हुए स्वरूप में होने चाहिए, धोती उनको पहनी हुई होनी चाहिए, हाथ में झंडा ले रखा हुआ है उनको होना चाहिए। तो ये स्वरूप घर के अंदर साधक रख सकता है। गोरा स्वरूप होना चाहिए, सर पे उनकी शिव भगवान की तरह जुड़ा होना चाहिए, गले के अंदर सांप होना चाहिए, या फिर डमरू अगर हाथ में हो जाए तो चल जाएगा, क्योंकि उसमें घर में सदैव नृत्य का और जो है आनंदमय स्वरूप रहता है। ये आम इंसान के लिए भैरव का इस प्रकार का स्वरूप घर में रख सकता है। अब तांत्रिकों के लिए,
या मांत्रिकों के लिए बताते हैं ना, मांत्रिक जो मंत्र साधना करते हैं, भैरव के किसी भी प्रकार के मंत्र की साधना करते हैं या भैरव के जो है किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं, उनको काले स्वरूप के घर के अंदर जो है भैरव की जो है मूर्ति को रखना चाहिए। मतलब काला रंग होना चाहिए मूर्ति का, कुत्ते के ऊपर या श्वान के ऊपर भैरव को विराजमान होना चाहिए, हाथ में खप्पर होना चाहिए, डमरू होना चाहिए, शीलम होना चाहिए, हाथ में छह हाथों वाला होना चाहिए, जो बोला जाता है कि जो है शर्करमादि महापात्रा, मतलब छह प्रकार के कामों में साथ देगा। तो एक हाथ के बीच में डमरू होना चाहिए डमरू बजाने के लिए, एक हाथ के बीच में चिल्म होना चाहिए उसके, तो चिल्म जागृति भी होता है, मतलब वो पान कर रहा होना चाहिए, मतलब आनंदमयी चेतना के स्वरूप में चिल्म होना चाहिए। एक हाथ के बीच में जो है उसके जो है खड़ग होना चाहिए, या फिर जो है इसको क्या बोलते हैं, घोटना बोलते हैं ना हमारी तरफ, तो मतलब इसको जो है पात्रा बोलते हैं इसको, लेकिन इस तरफ तो उपात्रा बोलते हैं उसको, लेकिन इस तरफ पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं, मतलब घोटना ही बोलते हैं ना उसको, आई डोंट नो व्हाई दैट, मतलब हरियाणा पंजाब की तरफ इसको घोटना ही बोला जाता है पता नहीं हमें घोटना बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि हमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो मतलब घोटना हाथ में होता है, तो वो घोटना हाथ में, या फिर जो डंडा बोला जाता है जिसके द्वारा मतलब वो रक्षा करते हैं ना, तो वो घोटना, वैसे तो भैरव दंड होता है वो, लेकिन हमारी तरफ मतलब उसको अर्घोपात्र मतलब अलग कुछ बोला जाता है, तो मतलब हमें असमी और हिंदी में हम थोड़ा मिक्सअप कर जाते हैं। तो हाथ में जो है उनके जो है भैरव दंड होना चाहिए जिसके द्वारा वो दुष्टों का संहार कर सके, ठीक। वैसे मतलब इस तरह घोटना बोलते हैं उसको तो खैर नेवर माइंड। तो जो है भैरव दंड होना चाहिए एक हाथ में उनके, एक हाथ में कमंडन उनके होना चाहिए, पात्र होना चाहिए जो है जिसके अंदर वो कारण पान कर रहे हो, ठीक। अभय मुद्रा और वर मुद्रा का विशेष होना चाहिए, तो ये भैरव का स्वरूप घर के अंदर आप रख सकते हैं तांत्रिकों के लिए। अब आता है विशेष, हम जैसे मतलब जो कौलिक का मूल रूप है तांत्रिकों से बहुत ऊपर है, तो उन लोगों को किस प्रकार का स्वरूप भैरव जी का जो है स्थापित करना चाहिए, उसके अंदर दिगंबर स्वरूप होना चाहिए भैरव का, पूर्ण दिगंबर, एक पांव उनका कपाल के ऊपर होना चाहिए उनका, एक हाथ में उनके जो है नर कपाल होना चाहिए, कटाशीश होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, अर्घ होना चाहिए मतलब दंड होना चाहिए हाथ में, वही जिसको हम घोटना बोल रहे थे वो होना चाहिए हाथ में, डमरू होना चाहिए हाथ में उनके, ठीक। और वो जो है उनको तत्व मुद्रा बनाना चाहिए ऐसे करके एक हाथ से, ठीक। और जैसे एक जो है वज्र, जैसे वज्रयोगिनी के हाथ में आपने देखा है ना, ऐसे मतलब जो है वज्रयोगिनी के हाथ में ना एक जो है बलि अस्त्र होता है, तो ऐसे बलि अस्त्र वाला एक जो वज्रयोगिनी के हाथ में होता है, तो वैसे मतलब वो बलि अस्त्र भी हाथ में होना चाहिए उसको, जो है उसके जो है देह के ऊपर पैगंबर का एक तरह के स्थान पे शव होना चाहिए। आपने जैसे उसके अंदर देखा है नेपाल के अंदर काल भैरव की, जैसे काठमांडू में मूर्ति है वो पीछे है ना, मतलब ऐसे ना उसने शव को ऐसे लगाया हुआ, तो ऐसे शवा मतलब आसन होना चाहिए, शवरूढ़ होना चाहिए भैरव को, तो ऐसा स्वरूप तांत्रिकों के लिए विशेष होता है। अगर तांत्रिक चाहे ना तो मतलब जो काल भैरव की जो मूर्ति नेपाल में है ना जो, तो उसको भी मतलब प्रयोग कर सकते हो घर के अंदर, तो वो तांत्रिकों के लिए विशेष होती है। तो ये जो है उसके अंदर उनका जो स्वरूप देखा है, मतलब उसके दंत देखे हैं कैसे मुख से बाहर है, तो ऐसा स्वरूप होना चाहिए उग्र स्वरूप में, जो सदैव जो है कारण मुखम, जो है मुखम में जिनके होना चाहिए, जो है अमृत, जो है अमृत सदैव मांगते रहने चाहिए, मतलब उनको प्रतिदिन अमृत अमृत चढ़ाना चाहिए उनको, तो अमृत का विशेष रहता है उनमें, मतलब जो है अर्घ पात्र में प्रतिदिन उनके अमृत चढ़ाना चाहिए, तो अमृत जो है साधकों को पान भी करना चाहिए पात्र के अंदर। यहाँ हमसे फिर से क्लियर कर देते हैं, जो भगवती को जो मदिरा चढ़ती है या दारू चढ़ती है ना, वाइन चढ़ता है, तो उसको कारण बोला जाता है, जो भैरव को चढ़ता है उसको अमृत बोला जाता है, तो भैरव जी को अमृत चढ़ना चाहिए प्रतिनित्य, तो ऐसे साधकों के लिए विशेष होता है। तांत्रिक साधनों के लिए बहुत लोगों के अच्छा रहेगा, तो भैरव साधना जो लोग करना चाहते हैं, भैरव सिद्धि चाहते हैं, तो वो हमें व्हाट्सएप पे हमें जो है दीक्षा के लिए बोल सकते हैं।